केंद्र सरकार वालों पास किए गए खेती कानूनों के खिलाफ 26 और 27 नवंबर को दिल्ली घेरन का ऐलान पूरे देश के किसान संगठनों के वालों किया गया, जिसकी तालमेल कमेटी की बैठक हुई है, जिस तों बाद किसानों ने वड्डी हुंकार भरी है। किसानों का कहना है कि असी चार चार महीनों का राशन इकट्ठा करके दिल्ली में चाले पावांगे, जिथे भी सानू सरकार ने रोक लिया उत्थे ही पक्के मोर्चे शुरू कर देंगे। किस तरह किसान जथेबंदियों ने वड्डा ऐलान कर दिता है केंद्र सरकार के खिलाफ, तुसीं खुद ही देख लो। अज देश दियां 500 किसान तो वध किसान जथेबंदियों की नुमाइंदगी करने वाली है एक 7 मैंबरी कमेटी की मीटिंग, जिहड़ा दिल्ली चलो प्रोग्राम किसानों ने 26-27 का उलीकिया देश पद्धर का उहदी सारी रूपरेखा तय करने लई मीटिंग हुई। मीटिंग विच असी तय किया भी किसान सारे दिल्ली जाणगे, जे सरकार किसी तरह रोकदी है तां फिर असी उत्थे ही बैठ जावांगे, पर अंदोलन जिहड़ा उह पूर्ण शांतमई होएगा। उहदे लई ड्यूटियां लाईआं गईआं, मैं योगेंद्र यादव जी नूं बेनती करांगा अगे उह दस देण किहदी किहदी किवें ड्यूटी लाई है। जब प्रधानमंत्री ने इस देश के किसानों पे बिना मांगे, बिना पूछे, बिना राय बात के 3 कानून ला दिए, तो उन्होंने कहा था ये ऐतिहासिक सौगात है किसानों के लिए। अब वो ऐतिहासिक है नहीं है, इसका फैसला तो इतिहास करेगा, लेकिन उसके जवाब में इस देश के किसानों ने ऐतिहासिक काम कर दिया। आज आपके सामने जो 7 मेंबरी कमेटी है, मैं समझता हूं वैसे मेरे से बहुत वरिष्ठ लोग हैं, आप मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन आज तक देश के इतिहास में कम से कम पिछले 40-50 साल में किसानों की इतनी बड़ी यूनिटी कभी नहीं बनी। 500 से ज्यादा किसान संगठन एक साथ आए हैं, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से कई संगठन 4 साल से काम कर रहे हैं, हम उनमें से कुछ साथी हैं। राष्ट्रीय किसान महासंघ के तहत बहुत से किसान लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं, उसके सदस्य भी यहां पे हैं। भारतीय किसान यूनियन के जितने बड़े घटक हैं उनमें से भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी ऐतिहासिक एकता इस देश के किसान ने पिछले 50 साल से तो नहीं देखी, 40 साल की तो मैं पक्की बात कह सकता हूं। और इस ऐतिहासिक एकता के तहत किसान एक ऐतिहासिक संघर्ष करने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, काफी समय से हम तमाम संगठनों ने मिलकर दिल्ली चलो का कॉल दिया है। 26 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन है, 26 नवंबर वो दिन है जब इस देश के संविधान पे दस्तखत हुए, लागू हुआ था 26 जनवरी को, लेकिन संविधान बनने का दिवस है 26 नवंबर। उस 26 नवंबर को संविधान दिवस पे देश के सारे किसान देश की राजधानी में पहुंच के अपने संवैधानिक अधिकार की मांग करें। तो ये जो आंदोलन शुरू हो रहा है, दिल्ली चलो की कॉल है, आपको पता है कल पंजाब में 30 किसान संगठनों की मीटिंग हुई जिसने मिलकर घोषणा की है कि पंजाब के सारे किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे। लेकिन आज आपके सामने मैं घोषणा कर रहा हूं कि सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे देश भर के किसान दिल्ली आएंगे। आजकल कोरोना का चक्कर है, ट्रेनें चल नहीं रही है, बसें चल नहीं रही है, तो जहां जितनी क्षमता होगी, बहुत दूर वाले किसान जो होंगे वो वहीं रह के करेंगे और हनंदा बाद में बताएंगे देश के बाकी इलाकों में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन 26 तारीख को पूरा देश का किसान एक स्वर में मांग करेगा कि ये जो 3 कानून है किसान विरोधी, इनको रद्द किया जाए, बिजली का कानून लाने की जो साजिश हो रही है उसको वापिस किया जाए, और पराली जलाने के नाम पे किसान को पर्यावरण के चक्कर में जो फंसाने की कोशिश हो रही है इसको हटाया जाए। इस मांग को लेके हम सब आएंगे। 5 बड़े
हाईवे से किसान दिल्ली पहुंचेंगे। पहला जो यहां से जा रहा है नेशनल हाईवे 1 जो दिल्ली की तरफ जाता है जीटी रोड, उसमें कुंडली बॉर्डर, दूसरा जयपुर दिल्ली हाईवे, वहां पे धारूहेड़ा के करीब जो बॉर्डर आता है वहां पे, तीसरा आगरा दिल्ली हाईवे जो है वहां बल्लभगढ़ पे, चौथा रोहतक हिसार से जो दिल्ली हाईवे जा रहा है उसमें बहादुरगढ़ पे, और पांचवा जो बरेली दिल्ली हाईवे आ रहा है उसमें हापुड़ पे। इन पांचों पॉइंट पे देश भर के किसान इकट्ठे होंगे और दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। हमारी उम्मीद है, हमारी गुजारिश है कि किसानों को अपनी आवाज उठाने के लिए इस देश की राजधानी में पहुंचने की इजाजत दी जाए। अगर किसी वजह से हमें ये इजाजत नहीं मिलती तो हम सब संगठनों ने फैसला किया है, जिस तरह से पंजाब में पिछले 6 महीने से शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, उसी शांतिपूर्वक स्पिरिट में जहां हमें रोका गया वहां बैठ जाएंगे, वहीं से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। ये संघर्ष 1 या 2 दिन का नहीं है, अनिश्चितकालीन संघर्ष के लिए जा रहे हैं और फतह करके ही किसान वापस आएगा। हम देश भर के किसान संगठनों की तरफ से इस बात को दर्ज करना चाहते हैं कि पंजाब का इकोनॉमिक ब्लॉकेट करने की जो कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है, एक तरह से पंजाब के किसानों को सजा दी जा रही है, तुम आंदोलन करोगे हम तुम्हारी मालगाड़ी बंद कर देंगे, इस ब्लॉकेट के खिलाफ देश भर का किसान है। और सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि पंजाब का इकोनॉमिक ब्लॉकेट जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, मालगाड़ी को तुरंत शुरू करना चाहिए। मैं इन्नी की गल दस दिया, कल भी अपनिया गल्ला होईयां सी कि पंजाब अनाज बेचण दे विच 60% पार्टिसिपेट करदा है, ते पंजाब दा जिहड़ा अंदोलन है ये समझ लो कि जिन्ना दिल्ली दे विच लोग जाणगे उन्हां दा घट्टो घट 60% लोग पंजाब दे होणगे, एक तो यह गल स्पष्ट है। दूसरी गल है कि अगर सानू दिल्ली नहीं जान दिंदा, सरकार रोकदी है, जिवें बाहरलियां स्टेटां तों जिहड़े साडे साथी है जिन्होंने दस्सिया कि असीं उधरलियां 5 रोड़ां रोकांगे, तां समझ लो कि जिहड़ियां पंजाब तों भी जिन्नियां सड़कां दिल्ली नूं जांदियां वह चाहे कोई मेन है चाहे कुछ भी है, सारे पास्यां तों असीं मतलब दिल्ली नूं कट देंगे। और एड्डी वड्डी गिणती दे विच मतलब साडा पंजाब दा किसान अंदोलन दे विच जाण वास्ते तैयार है, और नाल इह गल है कि वड्डी पद्धर दे उत्ते साडी इह तैयारी है कि राशन लैके असीं 4-4 महीने 5-5 महीनों का राशन लैके जा रहे हैं। कोई यह नहीं है कि रस्ते दे विच किते साडा मतलब रुकण दे कोई चांस ही नहीं होणगे, इन्नी मजबूती नाल लड़ाई लड़ांगे आपां। इह तां धन्नवादी हां असीं कि साडे देश लैवल दे संगठनां ने इत्थे आ के सानू साडा साडे घरे आ के पंजाब दे विच बैठ के साडा सहयोग करन दा जिहड़ा अहद लिया इत्थे आ के फैसला लिया, असीं सारे नेतागणां दा तहे दिलों धन्नवाद करदे हां।